देवेंद्रनाथ टैगोर राजा राम मोहन रॉय के विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने 1839 ईस्वी में तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की। देवेंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 15 मई 1817 को बंगाल में हुआ था। राजा राम मोहन रॉय के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। 1865 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य पद से हटा दिया। ब्रह्म समाज दो भागों में बंट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज को आदि ब्रह्म समाज और केशव चंद्र सेन के समाज को भारत का ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहा जाता था। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन देने, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने, बहुपत्नी प्रथा को समाप्त करने और दिखावटी धार्मिक अनुष्ठानों को समाप्त करने जैसे सराहनीय कार्यों पर बल दिया। 19 जनवरी 1905 को देवेंद्रनाथ की मृत्यु हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।